तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। 3.2 में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, टू वेरिएबल वाली दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। अब हमें बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई हैं, वो दो लाइनें एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन बनती है और दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या फिर दोनों लाइनें एक के ऊपर एक लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट में हमें दो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और उसमें हमें बताना है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों, हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या कोई भी सवाल हम सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूले अप्लाई होने हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो सवाल एनसीईआरटी के आते जाएंगे, उन सवालों के लिए जो फॉर्मूले आने चाहिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वो साथ साथ ही हम सवाल के समझाते जाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, और 3 में, और इस एक्सरसाइज में क्या क्या बेसिक चीज़ें और बेसिक फॉर्मूले हैं। सभी बच्चे ध्यान देना, पहले थोड़ा सा समझा देते हैं हम लोग। अभी अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, टू वेरिएबल की, तो वो इस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। एक्स के साथ जो नंबर है वो ए वन, और दूसरी इक्वेशन में जो एक्स के साथ नंबर है वो ए टू, और वाई के साथ जो नंबर है वो बी वन और बी टू होते हैं, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसे हम सी वन और सी टू कहते हैं। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन हैं टू वेरिएबल की, एक्स और वाई, तो उनके जो कोएफिशिएंट हैं उन्हें ए वन ए टू बी वन बी टू, और कांस्टेंट वैल्यू को सी वन सी टू कहते हैं। ये सभी बच्चों ने ध्यान देना है। अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो ए वन अपॉन ए टू, पहला केस देखते हैं हम लोग। अगर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू, अगर ये दो तीनों के तीनों इक्वल आ जाएं, तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब एक्स और वाई की जगह बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिन्हें एक्स और वाई की जगह रखने से जीरो आएगा, और वही नंबर नीचे रखोगे तो तब भी जीरो आएगा। तो हमें कैसे पता चला कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं? हमने कंपेयर किया, ए वन अपॉन ए टू को कंपेयर किया बी वन अपॉन बी टू से, फिर आपस में तीनों को हमने कंपेरिजन किया, और जब हमने देखा कि तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। इस केस में क्या होगा बच्चों, जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो उस केस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है जो इक्वेशन में रखने से जीरो आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हैं। अब कंसिस्टेंट वाले केस में अगर हम ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ जो बनेगा बच्चों, उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइन बनेगी। दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो एक ही होगी। पहली इक्वेशन की लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे और दूसरी इक्वेशन की लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, तो दोनों की लाइन एक ही मिलेगी। तो कोइंसिडेंस लाइन का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संपाती रेखा। तो मैनी सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ऐसे ही बच्चों हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में हमें दो लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस को अगर हम कंसीडर करें, तो दूसरे केस में हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं जो टू वेरिएबल वाली फॉर्म में है। अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर ए वन अपॉन ए टू, ठीक है, अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ जाए बी वन अपॉन बी टू के, बट सी वन अपॉन सी टू इक्वल ना हो, अगर हम इनको आपस में इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे, तो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का जो रेशियो है वो तो सेम है, बट सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं है। तो इस केस में बच्चों कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक्स और वाई की जगह रखने से जीरो आएगा। तो ऐसे केस में हम सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब है कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको सेटिस्फाई करे। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट केवल एक ही केस में होगा, नो सॉल्यूशन, और वो तभी होगा जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ जाए बी वन अपॉन बी टू के, बट सी वन अपॉन सी टू रेशियो इक्वल ना हो। इस केस में अगर बच्चों हम ग्राफ बनाते हैं, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेंगी।
दोनों लीनियर इक्वेशन की जो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे वो दोनों लाइनें जो हैं हमारी पैरलर आएंगी। तो दो लाइनें जो पैरलर आती हैं तो हम समझ जाते हैं कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो एक्स और वाई की जगह रखने से जीरो आ जाए। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में भी हमें दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, एक्स के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें ए वन और ए टू कहते हैं, वाई के साथ जो नंबर है वो बी वन और बी टू होता है, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम सी वन और सी टू कहते हैं। अगर हम कंपेयर करें तीसरा केस, तो उसमें अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं आता बी वन अपॉन बी टू के, स्टार्टिंग में ही अगर इक्वल नहीं आता, इसके बाद सी वन अपॉन सी टू चाहे इक्वल हो या ना हो, अगर पहले ही ए वन अपॉन ए टू का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा बी वन अपॉन बी टू के, तो इस केस में केवल वन और यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो वन और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x और y के एक एक ही ऐसे नंबर हैं जिनको रखने से जीरो आएगा। तो हमारे पास केवल एक ही कोऑर्डिनेट है, x और y की एक एक ही वैल्यू है जो x और y को रखने से जीरो आएगा और दोनों इक्वेशन को, दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो उसे कहते हैं, उसे भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट जो होते हैं वो दो ही होते हैं, या तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो या तो यूनिक सॉल्यूशन हो। और इस केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो इस केस में जो ग्राफ बनता है उसमें दोनों की जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं ग्राफ में। अगर हम ग्राफ को देखें तो उस केस में दोनों की, दोनों लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है वो अलग अलग बनेगी, बट वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होती। तो बच्चों आपको सेकंड जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए और थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए ये तीन बातें आपको ध्यान देनी है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट समझते हैं। पहले पार्ट में ये इक्वेशन हमें दो दे रखी है, ये दो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाली। मैंने आपको बताया था x के साथ जो नंबर होते हैं वो a1 और a2 होते हैं, और y के साथ जो नंबर है वो b1 और b2 हैं, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे c1 और c2 कहते हैं। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं कितना आएगा। तो a1 अपॉन a2 अगर हम देखें तो a1 हमारा 5 है, तो ये आ गया हमारा 5 बाई सेवन। ऐसे ही हम b1 अपॉन b2 को देखें तो b1 अपॉन b2 हमारा आ गया माइनस 4 बाई सिक्स। माइनस फोर बाई सिक्स को हम जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टू से हमने ऊपर भी कैंसिल किया तो माइनस टू, टू से नीचे भी कैंसिल किया थ्री। ऐसे ही बच्चों हम निकालेंगे सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन हमारा एट है और सी टू हमारा नाइन है, तो ये हमारा आ गया एट बाई माइनस नाइन, तो ये हमारा सी वन अपॉन सी टू निकल गया। अगर हम कंपेयर करें तीनों के रेशियो को तो तीनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। पहले केस में ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं आया बी वन अपॉन बी टू के। हमने पढ़ा था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हो और उसमें ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं आए बी वन अपॉन बी टू के, तो उस केस में जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है और यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। इस केस में अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ जो बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमने समझ लिया था कि उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर टू है इसका जो पहला पार्ट है बच्चों, पहले पार्ट में हमें केवल यही बताना था कि दोनों की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंस लाइन होगी। तो इस केस में क्या हुआ, ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं आया किसके, बी वन अपॉन बी टू के। तो जब इक्वल नहीं आता तो हम सीधा लिख देंगे ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है और इस केस में दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगी। तो बच्चों ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमें जो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं उसमें a1 अपॉन a2 निकाल के देखेंगे 9 बाई एटीन आ गया। अब ये 9 बाई एटीन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई टू, क्योंकि 9 से हमने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। ऐसे b1 अपॉन b2 हमारा क्या है 3 बाई सिक्स, 3 बाई सिक्स को भी अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें 3 से ऊपर नीचे कैंसिल करें तो ये हमारा इक्वल टू 1 बाई टू आ जाएगा। फिर हमारा सी वन बाई सी टू है वो है 12 बाई 24, तो 12 बाई 24 को भी अगर हम 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारा 1 बाई टू आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम केस देखें
तो यहाँ पे जो केस आया वो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू सब बराबर आ रहे हैं। तो बराबर वाले केस में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जिसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ऐसे केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है वो एक ही बनती हैं, एक के ऊपर ही दूसरे की भी लाइन आती है जिसे कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ में था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू तीनों का रेशियो इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिन्हें एक्स और वाई की जगह रखने से इक्वल टू जीरो आएगा, और इस केस में जो दोनों की लाइन बनेगी वो एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ऐसे ही बच्चों हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। पहले हम ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे जो आएगा 6/2। ठीक है, एक्स के साथ जो नंबर है वो ए वन और ए टू है। फिर 6/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 से 6 को डिवाइड करें 3 आ जाएगा। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, बी वन अपॉन बी टू, तो वाई के साथ जो नंबर होते हैं वाई के जो को एफिशिएंट हैं उन्हें बी वन और बी टू कहते हैं, तो ये -3/-1 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम सी वन अपॉन सी टू निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 10/9। 10/9 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो ए वन अपॉन ए टू का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया है किसके, बी वन अपॉन बी टू के। तो हमने पढ़ा था कि जब दो का रेशियो बराबर हो और सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं हो तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होते। ऐसे केस में कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इन दोनों के फैक्टर्स हों, तो नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट वाले केस में दो लाइनें जो बनती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो तीसरे पार्ट को समझने के लिए हमें समझना है ये वाला केस, नो सॉल्यूशन वाला। उस केस में दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इस केस में ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के, बट इक्वल नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। तो इस केस में इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे और दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, कंपेयर करना है आपको, पहले जो ए वन अपॉन ए टू है उनको बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू के साथ कंपेयर करना है। फिर जो दो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं उनमें बताना है कि कौन सी कंसिस्ट है कौन सी इनकंसिस्ट है। तो कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जो मैनी सॉल्यूशन हो और यूनिक सॉल्यूशन हो, और जब उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें चार पार्ट दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला पार्ट हम देखते हैं, पहले पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं। उसमें हम सबसे पहले ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं जो हमारा 3/2 आ गया। फिर हम बी वन अपॉन बी टू निकालते हैं जो हमारा 2/-3 आ गया। फिर हम सी वन अपॉन सी टू निकालते हैं जो हमारा 5/8 आ गया। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो तीनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और हमने आपको पढ़ाया था कि जब तीनों का रेशियो स्टार्टिंग में ही रेशियो इक्वल नहीं आ रहा तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंट में दो लाइनें जो हैं एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो ये हमने आपको बताया था इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें आंसर जो देना है वो कंसिस्ट और इनकंसिस्टेंट में देना है। तो यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं आया बी वन अपॉन बी टू के, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर होगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट को अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट में भी दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं। तो हम पहले ए वन अपॉन ए टू निकाल लेते हैं जो 2/4 आ जाएगा, जैसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। फिर हम बी वन अपॉन बी टू निकालते हैं जो -3/-6 होगा, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही 7/9 है सी वन अपॉन सी टू, तो 7/9 हो गया। तो अगर हम देखें तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ गया है, ए वन अपॉन ए टू का रेशियो इक्वल आ गया बी वन अपॉन बी टू के। तो हमने पढ़ा था कि जब ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का रेशियो इक्वल होता है तो उस केस में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, तो सी वन अपॉन सी टू तो इक्वल नहीं है, बट ए वन अपॉन ए टू
का रेशियो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल आ गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट को वाले केस में जब हम लाइनें बनाते हैं तो वो पैरेलल लाइंस आती हैं एक दूसरे के, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। तीसरे पार्ट में भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, थोड़ा फ्रैक्शन में दे रखे हैं हमें जो कोएफिशिएंट हैं एक्स के, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वन बाई ए टू, सबसे पहले हम ए वन बाई ए टू निकालेंगे। तो ए वन बाई ए टू में हमारा ए वन क्या है, थ्री बाई टू, और ए टू कितना है हमारा, नाइन। तो थ्री बाई टू को हम नाइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वन बाई सिक्स आ जाएगा। ऐसे हम बी वन बाई बी टू निकालेंगे तो ये निकलेगा फाइव बाई थ्री, डिवाइड हो जाएगा माइनस टेन से। फिर ये पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं आया बी वन अपॉन बी टू के। तो पहले केस में जब इक्वल नहीं आता तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेवन बाई टू निकाला, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा ए वन बाई ए टू इक्वल नहीं आया किसके, बी वन अपॉन बी टू के। तो इस वाले केस को हमने पढ़ा था। तो इस केस में एक ही सॉल्यूशन होता है जिसे कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट वाले केस में जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया जिसमें ए वन ए टू का रेशियो नहीं आया इक्वल बी वन और बी टू के, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही बच्चों हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। पहले हम ए वन बाई ए टू निकाल लेते हैं, फाइव बाई माइनस टेन, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो वन बाई माइनस टू हो जाएगा। फिर हम बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे, वाई के साथ जो नंबर है वो बी वन बी टू है, तो माइनस थ्री बाई सिक्स हो जाएगा, जो होगा सिंप्लीफाई करके हो जाएगा माइनस वन बाई टू, दोनों सेम है। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ गया बी वन अपॉन बी टू के। फिर सी वन अपॉन सी टू अगर हमने निकाला तो वो भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो तीनों का रेशियो अगर हम कंपेयर करें तो तीनों का रेशियो इक्वल आ चुका है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था तीनों का रेशियो जब इक्वल होता है तो उस केस में मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और मैनी सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और उस केस में दोनों के जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंस लाइन होती हैं, ठीक है। तो इस केस में ये इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें कोइंसिडेंस लाइन है जिसे हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है। तो यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन को ही कंसिस्टेंट कहते हैं, नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये पार्ट करना है।